सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को उस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। फिर गाइस आप लोगों को करना क्या है गाइस, आप लोगों को जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। ठीक है, यहाँ से गाइस आपको अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड मॉडल को ऐड करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, पहले गाइस यहाँ पे जो है मॉडल को मैं रोटेट कर लेता हूँ। एंड गाइस देखिए मॉडल का जो साइज है, मतलब आप मतलब कि कोशिश करना है कि यार आप भी ना मतलब थोड़ा कोट पैंट में फोटो क्लिक करवा लेना, क्योंकि यार जो जोकर है ना वो कोट पैंट में ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड बाकी कलर कोई भी हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस आपका फेस के ऊपर थोड़ा जोकर फेस होना चाहिए, और जो कि मैं आपको मैं बता ही दूंगा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कुछ टाइप से साइज रखना है इसका। एंड देन गाइज आपको क्या करना है यहाँ पे, गाइज देखिए यहाँ पे आपको जाना है टूल्स में, एंड आपको फेस को करना है आपको यहाँ पे थोड़ा ग्रे कलर। ठीक है, तो उसका सेचुरेशन आपको यहाँ पे माइनस करना है। एंड इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको अपने फेस फेस के एरिया पे जो है आपको यहाँ पे इसको पेंट कर देना है। ठीक है, एंड गाइज जब तक ये पेंट हो रहा है गाइज, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए यार वीडियो बनाता हूँ मैं, तो यार प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। ठीक है, तो उसके लिए बस आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो लाइक कर देना। बाकी गाइज देखिए हमने यहाँ पे इतना कर लिया है, तो अब देखिए गाइज आपको क्या करना है, आपको गाइज देखिए यहाँ पे फेस पे जो भी मतलब कि आपको PNGs वगैरह लगाना है उसके लिए मैं लिंक भी दे दूंगा, एंड आपको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे गाइज देखिए यहाँ पे हम जाएंगे कलर आइज में। ठीक है, कलर आइज में जाने के बाद हम यहाँ पे ब्लू कलर ढूंढेंगे, एंड ब्लू कलर को ढूंढने के बाद इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देंगे, साइज को हम छोटा कर देंगे। एंड गाइज फिर हम फोटो को जूम करेंगे, फिर कल गाइज देखिए हम आईब्रो के ऊपर से लेके हम इस तरीके से यहाँ पे ये बनाएंगे। ठीक है, ये तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा गाइज। ठीक है, मतलब मैं इसका ना PNG भी आपको दूंगा, इसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, PNG भी दूंगा, और आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब मेरे को ये वाला जो तरीका मेरे को इजी लगा PNG से, तो मैं आपको सोच रहा हूँ मैं PNG भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा आपको, जो भी मतलब जो तरीका ठीक लगे वैसे आप यूज़ कर लेना। ठीक है, तो मैंने इस जगह बना लिया, इस जगह पर भी बना लेते हैं। एंड गाइज जब तक गाइज अभी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, क्योंकि यार आप लोगों के लिए मतलब यार वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ मैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के मतलब कि जो आप चाहते हो ना कंटेंट, वही कंटेंट मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है ना, ताकि मतलब कि आप कोई वीडियो भी मिस ना कर पाओ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना गाइज, क्योंकि गाइज वहाँ पर जो है मतलब मैं एडिटिंग से पहले जो भी अपडेट होता है मैं वहीं डालता हूँ, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। आप इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे ही दिया है, तो आप वहाँ पे आके मतलब कि अपने हिसाब से फॉलो भी कर सकते हो। तो बाकी देखिए गाइस यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे इसका ओपेसिटी भी यहाँ पे इतना रखा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको मर्ज कर लूँगा, तो अब देखिए मैं फेस के ऊपर जो है यहाँ पे अभी हमें फेस के ऊपर भी थोड़ा सा जो रेड कलर का स्माइल PNG लगाना है, तो उसके लिए देखिए गाइस यहाँ पे मैं इसको आपको पेंट करके बताऊँगा। तो ह्यू को मैं माइनस में ले जाऊँगा यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद इरेजर टूल में जाऊँगा, एंड यहाँ पे साइज़ को मैं कम करूँगा। फिर उसके बाद गाइस देखिए हम यहाँ से जो है लिप्स के पास से जो है इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से। तो बाकी इसका भी PNG मैंने दे ही रखा है आप लोगों को, है ना, तो आप लोग ये भी यूज़ कर ही सकते हो। तो इसको मैं पेंट करता हूँ यहाँ पे, एंड गाइस अच्छे तरीके से एकदम आराम आराम से करना है। ठीक है, कहीं मतलब कि लगे कहीं ज़्यादा हो गया काम हो गया तो वहाँ से रेज भी कर लेना, ताकि मतलब कि आपको जो है मतलब बिल्कुल ये ना लगे कि एक बार पेंट करने के बाद आप सोचो कि यार बाद में यार ये तो गलत हो गया, तो यहाँ से मेरे को रेज करना पड़ेगा। तो फिर यार मतलब कि आप देखना अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि कोई भी एरिया रह जाएगा ना एक बार, तो फिर बाद में जो इसको करना मुश्किल हो जाता है, तो डन करने से पहले ही देख लेना। तो बाकी हमें नोज़ के ऊपर भी चाहिए था, तो यहाँ पर हम इसका साइज छोटा करके एंड यहाँ पर नोज़ की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अब इसमें ना गाइज हम थोड़ा ग्लो व्लो भी डालेंगे फेस पे, तो गाइज वो वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि वो जो है मतलब कि उसी से ही हमारा जो रियलिस्टिक लगेगा हमारा जो वर्क है। अब हम इसको डन कर लेते हैं। अब गाइज देखते हैं अब जो आपको ग्लोइंग कैसे डालना है, तो आपको जाना है टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको लेना पहले कॉन्ट्रास्ट, इसको इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को इंक्रीज करना है, एंड हाईलाइट्स को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे शेडोज़ को इंक्रीज़ कर देना है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा, टेम्परेचर थोड़ा माइनस की तरफ रख लेना। फिर इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको साइज़ अपने अकॉर्डिंग रखना है, एंड आपको सिंपली बस सिर्फ फेस फेस पे इसको पेंट करना है। ठीक है, बस फेस फेस पे, और कहीं नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कहीं हो जाता है तो उसको इरेज कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये भी परफेक्ट है। भाई क्या आराम आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में कोई कुछ नहीं काम करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा पेंट हो गया तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो आराम आराम से करना, बहुत अच्छी तरीके से मतलब यहाँ पे, तो अभी रियलिस्टिक लगे। तो अभी हम इसको डन कर लेते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे हमारा लगभग काम जो यहाँ पे पिक्सआर्ट का वो हमारा हो चुका है यहाँ पे, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, एंड इसको लेकर चलेंगे लाइटरूम ऐप में, ताकि रिटच करके हम और भी अच्छा बना दें इसे।
तो यहाँ से हम लाइट रूम में जाने के बाद क्या करेंगे, पहले जाएंगे यहाँ से हम लाइट वाले ऑप्शन में, फिर इसका पहले हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, हाईलाइट्स कम कर हाईलाइट्स भी बढ़ा देंगे, शेडो भी बढ़ा देंगे, एंड जो वाइट है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, ब्लैक्स को कम कर देंगे, एंड जाएंगे हम कलर्स में, वाइब्रेशन बढ़ा देंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा, और मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर लेंगे, ठीक है। तो ऑरेंज कलर यहाँ पे फेस तो हमारा ग्रे है तो थोड़ा सा ल्यूमिनस बढ़ा ही लेते हैं, तो डार्क ब्लू में जाएंगे, तो यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा माइनस करेंगे, फिर यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्लियरिटी को इनक्रीज करेंगे, एंड विगनेट डाल देंगे हल्का सा, एंड जो फीदर है ना फीदर उसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, फिर जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करेंगे, फोटो में नोट रिडक्शन डाल देंगे, एंड जो कलर नोट रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पर तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।